हबीबा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन फाउंडेशन ने चीनी हुकूमत के एक मुशीर की जानिब से दिया गया अतिया वापस कर दिया। चीनी हुकूमत के मुशीर ने 2016 में 2 लाख डॉलर का अतिया दिया था। फाउंडेशन की जानिब से कहा गया कि किसी भी हुकूमत का स्पॉन्सर किया गया अतिया नहीं रख सकते। माहरीन मौसमियात की कनाडा में बहार के आगाज में ताखीर की पेशगोई। माहरीन का कहना है हालिया मौसम सरमा मामूल से तवील होगा, इस मौसम बहार में सैलाब का खतरा मामूल से कम होगा। अमेरिका और चीन का एक दूसरे पर कोरोना लैबोरेटरी में तैयार करने का इल्ज़ाम। डायरेक्टर एफबीआई का कहना था कि वायरस चीन से पूरी दुनिया में फैला। चीन ने मोहलिक वायरस की जाय पैदाइश अमेरिका की फौजी रिसर्च लैब को करार दे दिया। अमेरिकी पार्लियामेंट ने बाइडन को टिकटॉक पर पाबंदी आयद करने के इख्तियार का बिल मंजूर कर लिया। डेमोक्रेट्स अराकीन का कहना था कि माहरीन की राय लिए बगैर और बहस किए बगैर जल्दबाजी में यह बिल मंजूर किया गया है। अमरीकी सदर टिकटॉक समेत किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर पाबंदी लगा सकेंगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। से नो टू बल्की प्लास्टिक जग्स एंड बॉटल्स। नो मोर मेजरिंग एंड स्पिलिंग। Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन ना सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। पियर इलियट ट्रूडो फाउंडेशन चीनी हुकूमत के एक मुशीर की तरफ से दिया गया हजारों डॉलर का अतिया वापस कर रही है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पियर इलियट ट्रूडो फाउंडेशन चीनी हुकूमत के एक मुशीर की तरफ से दिया गया हजारों डॉलर का अतिया वापस कर रही है। 2016 में एक अमीर चीनी ताजिर और चीनी हुकूमत के मुशीर जांग बिन ने फाउंडेशन को 2 लाख डॉलर मालियत का अतिया दिया था। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कैनेडियन सिक्योरिटी हुकाम ने इस अतिये को चीनी हुकूमत से जोड़ दिया था। फाउंडेशन के सदर पास्कल फॉर्नियर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मीडिया रिपोर्टिंग की रोशनी में फाउंडेशन, जो तालीमी और मफाद आमा की तहकीक को फंड्स फराहम करती है और उसे फरोख देती है, ने जांग को अतिये की मुकम्मल रकम वापस कर दी है। फॉर्नियर के बयान में कहा गया है कि एक आज़ाद, गैर जानबदाराना खैराती इदारे के तौर पर अखलाकियात और सालमियत हमारी बुनियादी इकदार में शामिल हैं और हम कोई ऐसा अतिया नहीं रख सकते जो किसी गैर मुल्की हुकूमत की तरफ से स्पॉन्सर किया गया हो, और जान बूझ कर ऐसा नहीं करेंगे। अतिया की कंजर्वेटिव की तरफ से जांच पड़ताल की गई है, जो कहते हैं कि उन्होंने 2021 के इंतखाबात में गैर मुल्की मदाखलत से मुतालिक एक हालिया रिपोर्ट से समझौता किया है। इस इलेक्शन में गैर मुल्की मदाखलत की निगरानी और आवाम को खबरदार करने के लिए आला सरकारी मुलाजमीन के काम का जायजा लेने वाली एक रिपोर्ट मंगल को जारी की गई। उसने पाया कि जहां वोट में मदाखलत की कोशिशें हुईं, उन कोशिशों से इलेक्शन की मजमूई सालमियत मुतासिर नहीं हुई। कंजर्वेटिव पार्टी की जानिब से कहा गया है कि ट्रूडो हुकूमत को यकीनी बनाना चाहिए कि इंतखाबी मदाखलत से मुतालिक इंतहाई मोतबर रिपोर्ट्स की जांच बामायनी और गैर जानबदाराना अंदाज में की जाए, बजाय इसके कि उन्हें गैर अहम बनाने की कोशिश की जाए, जैसा कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर यहाँ करने की कोशिश की है। माहिरीन मौसमियात ने कनाडा के सूबे ओंटेरियो में इस साल मौसम बहार के आगाज में ताखीर की पेशगोई की है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। माहिरीन मौसमियात के कनाडा के सूबे ओंटेरियो में इस साल मौसम बहार के आगाज में ताखीर की पेशगोई की है। माहिरीन के मुताबिक कनाडा के बेशतर हिस्सों में मौसम बहार के हालात मामूल से ज्यादा सर्द रहने की तवक्को है। मार्च का महीना शुरू हो चुका है और कनाडा में बहार का आगाज करीब आ रहा है। ताहम माहरीन का कहना है कि ऐसा नहीं लगता कि मौसम सरमा अपनी सर्द
गिरफ्त को जल्द ही किसी भी वक्त छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक इस हफ्ते के आखिर में एक और तूफान टोरंटो और जीटीए से टकराने की तवक्को है। मौसम बहार की पेशनगोई से पता चलता है कि आने वाला मौसम सर्मा का वॉल्प वो चीज है जिसकी हमें जनूबी ऑन्टेरियो में आदत डालनी चाहिए। मौसम बहार बाज़ाब्ता तौर पर 20 मार्च को आता है, लेकिन मौसम बहार की पेशनगोई के मुताबिक मार्च और अप्रैल के कुछ हिस्से मामूल से ज्यादा सर्द दर्जा हरारत और मौसम ठंडा रहेगा। माहिरीन के मुताबिक इस मौसम बहार में सैलाब का खतरा मामूल से कम होगा क्योंकि मौसम सर्मा में तवील जमूत से आबी गुजरगाहों में बर्फ कम हो गई है। बर्फानी मार्च की वजह से मौसम बहार के आखिर में सैलाब का खतरा बढ़ सकता है। अमरीकी इदारे FBI ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान लेबॉर्ट्री में तैयार हुआ, जिसके जवाब में चीन ने मौलिक वायरस की जाय पैदाइश अमरीका की फौजी रिसर्च लैब को करार दे दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी इदारे FBI ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लेबॉर्ट्री में तैयार हुआ, जिसके जवाब में चीन ने मौलिक वायरस की जाय पैदाइश अमरीका की फौजी रिसर्च लैब को करार दे दिया। जबकि दूसरी जानिब अमरीकी अहदेदारों का कहना है कि चीन पर मुमकिन नई पाबंदियां आयद करने के लिए वाशिंगटन इत्तेहादियों की हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि कोरोना मेरीलैंड में अमरीकी फौजी रिसर्च लैब में बना और दुनिया भर में फैला, जिस पर अमरीका को आलमी इदारे सेहत के साथ तआवुन करते हुए बैनुल अक्वामी माहिरीन को रिसर्च का दौरा करने की इजाज़त देनी चाहिए। अमरीकी इदारे FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि हमने ये अंदाज़ा लगाया है कि कोरोना वायरस चीन के शहर वुहान की एक लेबॉर्ट्री में किसी तजुर्बे के दौरान बना और वहीं से पूरी दुनिया में फैला था। डायरेक्टर FBI का ये बयान उस वक्त सामने आया है जब चंद रोज़ कबल ही अमरीकी महकमा तवानाई की एक तफ्तीशी रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें दावा किया गया था कि तहकीकात में कोरोना के चीनी लैब से लीक होने का इम्कान सामने आया है। महकमे तवानाई की इस तहकीक में दीगर कौमी लेबॉर्ट्रीज पर शमूल जदीद हयातियाती तहकीक के नेटवर्क ने भी काम किया था, जिससे इस रिपोर्ट के दुरुस्त होने का कवी इम्कान है। ताहम अब भी मुख्तलिफ अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों का ख्याल है कि ये वायरस कुदरती तौर पर दुनिया में उभरा। अमरीकी FIA के डायरेक्टर के कोरोना के वुहान लेबॉर्ट्री में पैदाइश के बयान ने यह मामला फिर उठा दिया है, जिस पर चीन ने अमरीकी दावे की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि ये हमारे खिलाफ अमरीका की एक गंदी मुहिम है। चीनी हुकाम ने अपने शदीद रद्दअमल में मजीद कहा कि उन बेबुनियाद दावों से चीन की नहीं बल्कि खुद अमरीका की साख को नुकसान पहुंचा है। चीन को बदनाम करने की साजिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि कोरोना मैरीलैंड में अमरीकी फौजी रिसर्च लैब में बना और दुनिया भर में फैला, जिस पर अमरीका को आलमी इदारे सेहत के साथ तआवुन करते हुए बैनुल अक्वामी माहिरीन को रिसर्च का दौरा करने की इजाज़त देनी चाहिए। तर्जुमान का मजीद कहना था कि अमरीका साइंस पर मुकम्मल भरोसा रखे और बैनुल अक्वामी माहिरीन की अपने लैब में होने वाली तहकीक से पूरी दुनिया को आगाह भी करना चाहिए। ख्याल रहे कि वुहान चीन का वो शहर है जहां दुनिया में सबसे पहले कोरोना की मौजूदगी की तस्दीक हुई, जिसकी वजह से मगरबी ममालिक कोरोना के बनने और उसके फैलाव के जिम्मेदार चीन को ठहराते हैं। आलमी इदारों ने इस बात की भी तहकीक की थी कि कोरोना वुहान की लैब में बना था, ताहम उसके ठोस शवाहिद नहीं मिले थे। ताहम इसके बावजूद गाहे बगाहे ये मामला जेरे बहस रहता है। दूसरी जानिब अमरीकी अहदेदारों का कहना है कि अगर चीन यूक्रेन जंग में रूस को फौजी मदद फराहम करता है तो वाशिंगटन की जानिब से नई पाबंदियां लगाने का इम्कान है। फिलहाल मशावरत का सिलसिला जो अभी इब्तदाई मरहले में है का मकसद किसी भी मुमकिन पाबंदियों के लिए G7 के अमीर ममालिक समेत मुतादित मुल्कों की हिमायत हासिल करना है। अमरीकी पार्लिमानी कमेटी बराए खारजा उमूर ने सदर जो बाइडन को चीनी सोशल मीडिया ऐप TikTok पर पाबंदी के अख्तियारात देने का बिल मंजूर कर लिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी पार्लिमानी कमेटी बराए खारजा उमूर ने सदर जो बाइडन को चीनी सोशल मीडिया ऐप TikTok पर पाबंदी के अख्तियारात देने का बिल मंजूर कर लिया। सदर बाइडन को हासिल होने वाले इख्तियारात के तहत वो TikTok समेत किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर पाबंदी लगा सकेंगे, जबकि डेमोक्रेट अराकीन ने बिल की मुखालफत करते हुए मौकफ इख्तियार किया कि माहिरीन की राय लिए बगैर और बहस किए बगैर जल्दबाजी में ये बिल मंजूर किया गया है। अमरीकी कानून साजों ने 16 के मुकाबले में 24 वोटों से TikTok पर पाबंदी के सदारती इख्तियार का बिल मंजूर कर लिया, जिसके तहत सदर बाइडन को 100 मिलियन से ज़ायद अमरीकियों की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली चीनी एप्लीकेशन पर पाबंदी लगाने का इख्तियार हासिल हो गया। अमरीकी पार्लिमानी कमेटी बराए खारजा उमूर के
रिपब्लिकन चेयरमैन माइकल मैककॉल ने टिकटॉक को कौमी सलामती के लिए एक खतरा करार देते हुए कहा कि यही वक्त है कि इसके खिलाफ अमली इकदामात उठाए जाएं। कोई भी शख्स जो अपने डिवाइस पर टिकटॉक ऐप इंस्टॉल करता है, दरअसल वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी निजी मालूमात तक रसाई के लिए एक बैकडोर मुहैया कर रहा है। ये आपके मोबाइल फोन में एक जासूस गुब्बारा है। दूसरी जानिब डेमोक्रेट अराकीन ने बिल की मुखालफत करते हुए मौकफ इख्तियार किया कि माहरीन की राय लिए बगैर और बहस किए बगैर जल्दबाजी में ये बिल मंजूर किया गया है। बिल में वाज़ेह नहीं है कि पाबंदी किस तरह अमल में लाई जाएगी, बल्कि ये बिल सदर को ये इख्तियार दे देता है कि वो टिकटॉक के साथ अमरीका में किसी भी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड करने पर पाबंदी आयद कर सकें। उन्होंने बिल पर एतराज़ करते हुए कहा कि ये बिल सदर बाइडन को ये इख्तियार दे देता है कि किसी भी ऐसी चीज़ पर पाबंदी आयद कर दें जिससे उन्हें ये महसूस होता हो कि ये चीन के जेरे असर होने के बाइस ख़तरा बन सकती है। वाज़ह रहे कि इससे कबल वाइट हाउस की जानिब से तमाम वफाकी एजेंसियों को हिदायत जारी करते हुए वफाकी हुकूमत की तमाम डिवाइसेस और सिस्टम्स पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। अमरीका के बाद यूरोपीय यूनियन और कैनेडा के पॉलिसी साज इदारों की जानिब से भी सरकारी डिवाइसेस पर टिकटॉक इंस्टॉल करने पर पाबंदी आयद की गई थी। टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपनी मेजबान अदीबा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।